काजीरंगा में गुस्ताखे रसूल के फांसी देने की मांग को लेकर के मुस्लिम संप्रदाय का बड़ा जनसैलाब धरना स्थल तक। दरभंगा में आज मुस्लिम संप्रदाय का बड़ा सैलाब उतरा। हाथों में तिरंगा लहराते हुए इन लोगों ने गुस्ताखे रसूल को फांसी देने की मांग की। गौरतलब है कि गुस्ताखे रसूल रिजवी के उस किताब पर विवाद छिड़ा हुआ है जिसमें उसने नबी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग किया था। इसी से गुस्साए आज मुस्लिम संप्रदाय के हजारों लोगों ने धरना स्थल पर धरना दिया एवं डीएम के मार्फत ज्ञापन सौंपा। जबकि महीना पहले से ये ऐलान होता है गुस्ताखे रसूल के खिलाफ जुलूस निकलना है, वो किला घाट से होकर करमगंज होता हुआ धरना स्थल तक आज पहुंचा, जहां पूरे ज़िले और इतराफ़ के लोग यहां मौजूद थे। और बस हम लोग ने जो मेमोरेंडम दिया और हम लोग का एक ही आवाज़, एक ही मकसद था कि आज जो तरह तरह के बदबख्त इस हिंदुस्तान के अंदर हमारे नबी की शान को गुस्ताखी करते नज़र आ रहे हैं, यह मुसलमान कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। दरभंगा किलाघाट से निकला मुस्लिम संप्रदाय के बड़े जन सैलाब को नियंत्रित करती दिखी दरभंगा पुलिस। दरभंगा पुलिस आज हमीदिया से निकलने वाले इस विशाल जुलूस में दंगा पुलिस बल के साथ दरभंगा पुलिस पूरी तरह मुस्तैद दिखी। सड़कों पर भीड़ खाली कराती हुई इस पूरे जन सैलाब को लहरियासराय धरना स्थल तक लाने में दरभंगा पुलिस और दंगा पुलिस को काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। दरभंगा एसएसपी के निर्देश पर बड़ी मात्रा में कैटी, सिंहवाड़ा और घनश्यामपुर में शराब बरामद। दरभंगा एसएसपी के निर्देश के बाद लगातार शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस कार्रवाई जारी है। कैटी थाना अंतर्गत मिली गुप्त सूचना के आधार पर देर रात शराब भट्टी पर शराब चुराई करते रंगे हाथ पीठो सोनहान बिहार से सटे डबरा के पास छापेमारी कर शराब बरामद किया गया है। वहाँ प्लास्टिक गैलन में रखा हुआ 40 लीटर देसी चुलाई शराब को बरामद किया गया है। इसके साथ ही एक को गिरफ्तार किया गया। वहीं सिंहवाड़ा थाना के सहयोग से सिंहवाड़ा थाना कांड संख्या के अभियुक्त महेश यादव को अशोक यादव को गिरफ्तार किया गया है। वहीं घनश्यामपुर थाना के बिशनपुर चौक के पास गश्ती जा रही गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस को 750 ml का 21 बोतल, 180 ml का 42 बोतल, कुल 23.31 लीटर विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इस बात की सूचना एसएसपी ने दी है। यह शराब के धंधे में जो संलिप्त लोग हैं उन पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश भी अभी एसएचओ एसडीपीओ को हम लोगों ने दिया है और इस पर अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी और किसी कीमत पर शराब बिकने नहीं दी जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम लगातार कर रहे हैं जन वितरण प्रणाली और स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण। दरभंगा में सभी को मानव को हर अधिकार मिलना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स की शिकायत मिलने के बाद विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव जावेद आलम आज हनुमान नगर प्रखंड के स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे। वहां उन्होंने सभी डॉक्टरों के साथ बैठक की और कहा कि सभी मरीजों को उनको फंडामेंटल राइट्स मिलना चाहिए। चिकित्सा पदाधिकारी और हेल्थ मैनेजर से बातचीत किया, बातचीत कर उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया और उन्हें ये बताया कि देखिए साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखिए, मरीजों का पूरा ध्यान रखिए, जो सुविधाएं उनको मिलना चाहिए उनको अवश्य मिलना चाहिए, कम से कम भोजन का अधिकार जो है वो एक फंडामेंटल राइट है, हर आदमी को उपलब्ध होना चाहिए, हेल्थ का जो राइट है वो एक फंडामेंटल राइट है, उनको हर हाल में मिलना चाहिए। इकतीस दिसंबर तक असंगठित कामगारों का होगा निबंधन, नज़दीकी वसुधा केंद्र पर निःशुल्क किया जाएगा निबंधन। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में देश के सभी असंगठित कामगारों का डाटा 31 दिसंबर तक किया जाना है। इसके लिए ई श्रम पोर्टल पर बिहार राज्य के कुल 3.49 करोड़ एवं दरभंगा जिले के 13,21,386 असंगठित कामगारों के निबंधन का लक्ष्य निर्धारित है। कामगारों का ऑनलाइन निःशुल्क निबंधन वसुधा केंद्र पर कराया जा रहा है, इस बात की सूचना आज बैठक में दी गई। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत लघु मरम्मत कार्य हेतु 27, 28, 29 दिसंबर को प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण एजेंसी का किया जाएगा चयन। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग पटना से प्राप्त पत्र के निर्देश आलोक में मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना अंतर्गत
पेयजल योजनाओं में मरम्मत कार्य हेतु प्रखंड स्तरीय अनुश्रवण एजेंसी का चयन किया जाना है, इसी के तहत एक बैठक की गई। लहरियासराय गायत्री मंदिर के पास DPMI पैरामेडिकल के छात्र छात्राओं का आक्रोश, कहा कि यहां कोई पढ़ाई नहीं हो पा रही है। दरभंगा की गायत्री मंदिर के पास DPMI के छात्रों ने आज आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि यहां के शिक्षक लगातार छोड़ने से यहां के छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही थी। यहां के पैरामेडिकल के स्टूडेंट्स ने कई बार कंप्लेंट की, इसके अलावा जिसने मदद की उसे भी अब निकालने के बाद आक्रोश करता में पैक्स चुनाव के तहत पार्टी डिस्पैच हुआ। ब्लॉक में पैक्स चुनाव के अंतर्गत टेंट लगा हुआ था, जिसमें मतदान केंद्रों पर जो मतदान कराएंगे उनको वैलेट बॉक्स, वैलेट पेपर, पेपर सील इत्यादि दिया गया। ज्ञात हो कि कल 18 दिसंबर को कंसी, वासुदेवपुर और अदलपुर में पैक्स चुनाव होगा, जिसका आज पार्टी डिस्पैच हुआ और इसका मतगणना कल ही रात को होगा। वहीं चुनाव सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। दोनार से टिनही पुल तक नाली निर्माण कार्य रुकने से लोगों में रोष। नगर आयुक्त मनीष कुमार मीणा ने दोनार से टिनही पुल तक नाली निर्माण कार्य में देरी पर कुछ दिनों पहले नाराजगी जताई थी। वहीं दूसरी ओर आज 17 दिसंबर को दोनार में चल रहे काम को रुकवाकर वहां से JCB और अन्य सामान हटा लिया गया है। काम को जाने से लोगों में काफ़ी रोष है। उनका कहना है कि काम बंद हो गया है तो हमारे घरों के आगे से मिट्टी जो निकाले थे उसे भर देते, जिसे आने जाने में लोगों को जो तकलीफ हो रही है वह नहीं होती। मिट्टी निकालने से लोगों के घरों के साथ साथ सड़क भी ढह सकता है, नाली में पानी भर गया है। हाँ सर, ऐसा है कि जो नाली निर्माण जो हो रहा है, जो यानी पोल के पूरा छोड़ दिए हुआ है, दुकानदार सब को काफ़ी परेशानी हो रही है, घर खाली करके रहना पड़ रहा है। इस स्थिति में कैसे होगा, बच्चा उसा रहता है छोटा, सो गिर जाता है। JCB वाला सब वो कहते हैं रात में जो काम। दोनार जाम में ट्रैफिक पुलिस से उलझते दिखे बाइक सवार। दोनार में स्थित रेलवे फाटक काफ़ी देर तक बंद रहा, इस कारण शाम में दोनार गुमटी से दोनार चौराहा के आगे, वहीं दूसरी ओर दोनार फाटक से अंबेडकर प्रतिमा के आगे तक जाम लगा रहा। इस कारण बिरोल, कुशेश्वर स्थान, बेनीपुर सहित कई जगहों के बसों को देरी हुई। वहीं रेलवे फाटक पर सड़क की दूसरी ओर से बाइक सवार निकल रहे थे तो ट्रैफिक पुलिस बैरक लगा दिया, इस कारण कई बाइक सवारों से ट्रैफिक पुलिस की बहस भी हो गई। वहीं फाटक देरी से खुलने के कारण लोगों को जाम की परेशानी झेलनी पड़ी।